भारत के बाहर और भारत के अंदर पनप रहे आतंकवाद को नस्तोनाबूद करने में भारतीय सेना को गौरव प्राप्त है। जब भारतीय जांबाज मैदान में होते हैं तो दुश्मन अपने आप को बचाते फिरते हैं और भारतीय जांबाजों का लोहा पाकिस्तान हो या चीन हो, सभी पड़ोसी देश बखूबी जानते हैं। लेकिन आपने एक कहावत तो सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए, यानी कभी कभी अपने ही विश्वासघात करते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण नक्सलवाद बाहुल इलाकों में देखने को मिलता है। बीते शनिवार को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में घात लगाए बैठे नक्सलियों ने CRPF के जवानों पर अचानक से हमला बोल दिया। इस ऑपरेशन में 23 जवान शहीद हो गए। इस हमले में यूपी के प्रतापगढ़ जिले के लालगंज कस्बे के रहने वाले सेकेंड इन कमांडेंट रैंक ऑफिसर डिप्टी कमांडर संदीप द्विवेदी भी बुरी तरीके से घायल हो गए थे। डिप्टी कमांडेंट संदीप द्विवेदी CRPF 201 कोबरा बटालियन के साथ तैनात हैं। सैनिक स्कूल के पास आउट कमांडर द्विवेदी इस समय कई लोगों के हीरो बन गए हैं। दरअसल बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान के लिए कोबरा बटालियन की टीम निकली थी। इस ऑपरेशन को CRPF के कोबरा बटालियन के सेकेंड इन कमांडर संदीप द्विवेदी लीड कर रहे थे। जब नक्सलियों ने घात लगाकर जवानों पर हमला किया तो संदीप द्विवेदी ने गोलियों की बौछार और मौत के मंजर के बीच अद्वितीय साहस का परिचय दिया। कमांडेंट संदीप ने जवानों को न सिर्फ साहस देते हुए जवाबी कार्रवाई करने को कहा, बल्कि नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को फंसाने के लिए लगाए गए घातक एम्बुलेंस को भी नाकाम कर दिया। एक तरफ जहां वो नक्सलियों के हमले का जवाब दे रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ घायल जवानों को भी वहां से निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए थे। इस दौरान वो खुद घायल हो गए। घायल होने के बाद भी खूंखार नक्सलियों के भारी संख्या में जवानों को हताहत करने की साजिश को नाकाम कर दिया, जिससे कई जवानों की समय रहते जान बच गई। संदीप छत्तीसगढ़ में विशेष ड्यूटी पर गए थे। बीते रविवार को ही डॉक्टरों ने ऑपरेशन करते हुए गोली को निकाल दिया था। सोमवार को सफल ऑपरेशन की जानकारी परिजनों को मिली तो उनके चेहरे खिल उठे। बता दें कि सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह घायल जवान से मिलने के लिए रायपुर में एक अस्पताल में पहुंचे थे। यहां पर वो कमांडेंट संदीप से भी मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी भूपेश बघेल वहां पर मौजूद रहे। बात कहना चाहता हूं कि आपके भाई ने, आपके पति ने, आपके बेटे ने जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसको देश कभी भूला नहीं सकता। मैं भारत सरकार की ओर से आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि संकट की दुख की घड़ी में पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आपके परिजनों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इन्होंने जिस उद्देश्य के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो उद्देश्य को हम जरूर सीखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन नक्सलियों को सरकार की भाषा समझ में नहीं आती। उनके लिए भारतीय सूरवीरों को मैदान के जंग में उतारना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। फिलहाल नक्सलियों ने एक सेना के जवान को अगवा कर लिया है और सरकार से मांगे रखी है। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें।